All right. I have some conceptual question of dictionary. Good for you. Chaliye ji, let's start. I am making one dictionary here. Autumn, world of spring, yeah, this is the question. Then I have mint, okay, and the options are you have been given a dictionary and one print statement is given over here. And you are to tell what will be the output of this print command. Carefully looking the given dictionary. Fall. Autumn, autumn, fall, fall. सोच के आंसर दो. कुछ कीज का नाम ऑटम है, कुछ वैल्यूज का नाम ऑटम है. कुछ कीज का नाम फॉल है, कुछ वैल्यूज का नाम फॉल है. एज पर द गिवन प्रिंट स्टेटमेंट थिंक एंड टेल मी द आंसर. एनीबडी हु सेज दैट इट विल बी ऑटम. Anyone who says that autumn will be the value instead of fall? Open these windows. Open it. Whenever we are considering the dictionary along with the square bracket, whatever we pass the key, never the value. This is the key. In the square bracket of dictionary, we always pass the relevant key. Okay? So, according to this concept, it is a key, an autumn key having the value false. So, B option will be the most suitable one. Right? Got it? Another question I'm giving. B1 dictionary ka naam hai. Cat 12, dog 6, elephant 1, 2, 3, bear 20.
print Twenty-five in D1. True. False. Error. None of them. चलो इसका बताइए आंसर. फॉल्स. 25 इन मींस मेंबरशिप ऑपरेटर. 25 इज नॉट अवेलेबल इन डिक्शनरी D1. सो ऑप्शन इज फॉल्स. ओके गॉट इट. इन कहता है कि अगर वैल्यू नहीं है तो फॉल्स है. 25 है ही नहीं डिक्शनरी तो फॉल्स ही हो गया. एरर क्यों आएगा? एरर तब आता अगर कोई सिंटैक्स या कोई लॉजिकल एरर होता तो. इट इज टोटली करेक्ट. डॉग इन D1. Dog in D1. True. Dog is the key. In membership operator, only check the availability of keys. The membership operator in and not in, they only check the availability of the keys. And key dog is there in the dictionary. So answer is True. Got it? Okay. Another question is, D1 of 0, it is 12, then it's cat, then it is cat, colon 12, L. हाँ जी बताइए. बाय एरर. रेज योर हैंड. रेज योर हैंड टू स्टेट योर कॉन्सेप्ट. गुरजोत सिंह. ओके देन व्हाट? और कोई लॉजिकल रीजन इसका? कोई और लॉजिकल रीजन? जीरो सोचिए और बताइए कोई और लॉजिकल रीजन कि एरर क्यों है. आपको कैसे लगा कि ये इंडेक्सिंग है? स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप. आंसर दिया तो उसको समझाने का भी कॉन्सेप्ट रखो. पढ़े लो. इनमें से इंडेक्सिंग कौन सी है? कीज कौन सी? इन इन तीनों में से मुझे ये बताइए इंडेक्सिंग कौन सी है, कीज कौन सी है?
Will you stop interfering? Acha. आप बताइए फर्स्ट का आंसर बताओ. अगर ये डिक्शनरी है तो इसके रिलेटेड मुझे इसका आंसर बताओ. दिस इज योर डिक्शनरी, इसके को रिलेटेड मेरे को फर्स्ट का आंसर बताओ बस. क्यों ए क्यों? आप तो कह रहे हो कि ये इंडेक्सिंग है तो यहां तो एरर आना चाहिए. इफ एनीबडी डेयर टू लाफ ही और शी हैज टू लीव द लेक्चर. आप लोग भी गलत हो सकते हो, परफेक्ट तुम लोग भी नहीं. सो डोंट क्रिएट फन ऑफ अदर्स. यू कैन ऑल्सो बी रॉन्ग इन योर कॉन्सेप्ट. You're not perfect. बताओ गुरजोत, आप कह रहे हो कि ये इंडेक्सिंग है जी, ये जीरो इंडेक्स है, इंडेक्सिंग नहीं हो सकती तो गलत है. अब आपका ए आंसर क्यों बन रहा है? की एग्जिस्ट कर रही है. अब तुम असली बात पे आ गए तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है? जीरो नाम की कोई की है नहीं, है ना? तो जब की एग्जिस्ट नहीं करती और आप उस की को रेफर करो तो एरर ही आता. गेट मेथड भूल गए? व्हाट इज गेट मेथड ऑफ डिक्शनरी? चलो आशुतोष तुम बताओ, बैठ जाइए. टेल मी द यूज ऑफ गेट मेथड एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ गेट मेथड, वो बताओ. चलो अब आप पे भी आता हूं, जरा रुको. व्हाट शौक है ना पहुंचने का, अभी आप पर भी आता हूं. याद नहीं. 11th साइंस स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल सेइंग याद नहीं. व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, रिकॉर्ड भी हो गया आंसर आपका. चलिए असीस पर आप बताइए रोल ऑफ गेट मेथड. किसकी वैल्यू को? जो भी हमने की दी है उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता है. अगर हमारी डिक्शनरी में गिवन कोई ऐसी की यूज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो गेट मेथड विल डिस्प्ले एरर. बट इंस्टेड यू वांट कि एरर ना आए, यू कैन जनरेट योर ओन मैसेज. एज पर दिस क्वेश्चन देयर इज नो की विद द वैल्यू जीरो. कैट डॉग एलिफेंट बेयर, इनमें कोई भी की ऐसी नहीं है जो जीरो नाम की है. यू आर ट्राइंग टू रेफर टू अ की विच डज नॉट एग्जिस्ट. सो पाइथन हैज गिवन एरर. क्लियर? यहां पर ये पॉइंट प्रूव हो गया जब उसने बोला ये इंडेक्सिंग है. यहां पर वो ये ए आंसर दे रहा है. अब ए आंसर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये की है और जीरो की एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है. दिस कमांड is equivalent to this command of this method of dictionary. आप ये कहते हो ना डिक्शनरी का नाम डॉट गेट ब्रैकेट में की पास कर दी. दिस मेथड एंड दिस कमांड दे विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. डोंट गो आफ्टर क्रैमिंग ओनली. ये एक इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट सीख लिया, बस उसी को बोली जाना बार बार. गॉट इट? ओके. Okay.
I have a dictionary D. Chemistry 70. Bio 80. English 95. D dot update. Chemistry 72. Bio 80. What this statement will do? The statement where I have put the arrow sign, what it will do? A option. It will create a new dictionary as पहली ऑप्शन तो ये है कि एक नई डिक्शनरी बन जाएगी केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स को लेकर, सेकेंड इज इट विल जनरेट एरर, थर्ड इज इट विल अपडेट दिस डिक्शनरी विद ऑल द अपडेटेड वैल्यूज, physics 34, chemistry 72, bio 80 and English 95. And the fourth is no output. आपके according क्या answer बनता है? C option. It will update the existing dictionary with all the new values given for the given keys, right? I will be quiet. चलो, tell me the answer of this question. Solve it and tell me the answer. Output question and no options are there. See the question from the blackboard, don't copy it. Try to solve it fast. आपके पास एक dictionary है. Keys are Bhavana, Richard, Firoza, Arsh. Values are 1, 2, 10, 20. We have a temporary variable T with the value 0. For value in dictionary name dot values, values function will pick up values. And we are adding up the given loop variable with the T value. And we are updating the T.
33. How many says 33? Logic. Explain the logic, Yuvraj. Values का समापूरण. Because we have particularly taken addict dot values method, and values method only deal with the values. Okay, so it will add up all the values of all the possible keys, right? And we get the final answer 33. Okay. All right. In the second question, I have empty string. Now tell me the answer. Carefully solve the question and tell me the answer. आपके सामने एक डिक्शनरी है और एक एम्प्टी डिक्शनरी है फॉर की इन ए डिक्ट. अभी आपको डिक्शनरी का आगे मेथड नहीं बताया, तो दैट मींस इट ऑलवेज डील्स विद द कीज. इट ऑलवेज डील विद द कीज. दिस इज चेकिंग द मेंबरशिप ऑफ कीज कि ये वाली की इसके अंदर है कि नहीं. भावना इन ए डिक्ट, रिचर्ड इन ए डिक्ट, फिरोजा इन ए डिक्ट एंड अर्श इन ए डिक्ट. हाँ जी, अब बताइए. भावना रिचर्ड. सबसे पहले कौन सी की आएगी? भावना डिक्शनरी में है, अंदर आ गए. टी क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग लेस देन भावना. स्ट्रिंग इज भावना. की वैल्यू, पहली वैल्यू भावना है. पुट योर पेन डाउन. तो एम्प्टी स्ट्रिंग छोटी है स्ट्रिंग से, तो अपडेट हो गई. अब एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या आ गया? टी गेट अपडेटेड. टी गेट अपडेटेड विद भावना. मूव फर्दर. नेक्स्ट की रिचर्ड इन एडिक्ट. इफ भावना लेस देन रिचर्ड, क्रोनो ओआरडी फंक्शन को याद करो, आस्काई कोड्स को याद करो. बी का आस्काई कोड आर से कम है. यही से मैच हो रहा है. द आस्काई कोड ऑफ कैपिटल बी इज लेस देन द आस्काई कोड ऑफ आर. इसका 66 है आस्काई कोड, उसका देखो क्या होगा. तो ये उससे छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई. तो टी में क्या अपडेट हो गया? टी गेट अपडेटेड टू रिचर्ड. देन नेक्स्ट की इज व्हाट? फिरोजा इन डिक्शनरी. यस इट इज देयर. रिचर्ड लेस देन फिरोजा. आर आगे इसका आस्काई कोड चेक कर लो ना, यही से मैच हो रहा है. छोटा नहीं है आर का, तो ये इग्नोर हो गया. फर्दर की इज अर्श. अर्श इन डिक्शनरी. यस. रिचर्ड लेस देन अर्श. नो नो, ये भी इग्नोर हो गया. डिक्शनरी टर्मिनेट, फॉर लूप टर्मिनेट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? भावना कहां से हो गई? टी अपडेट नहीं हुआ. Whatever is the final updated value of t, that will get print over here.
So final answer is Richard, not Bhavna. Okay. Same question going on. I have over here variable k. Bhavna, b equal to minus 1 if k in a dict. A dict of b equal to b minus 1 if a in a dict of a equal to b. Okay. Now come up with your answer. Dictionary given is this. K is Bhavna, V is minus 1. If K in dictionary, what is the first value of K? Bhavna. Okay. A dict of K equal to V. What is K? Bhavna. Bhavna mein V value assign karo. V kya hai? Minus 1. So what will be done? Value minus 1 will be assigned to key Bhavna. And what will be printed in the dictionary here? Bhavna minus 1, Richard 2, Firoza 10, Arsh 20. Got it? Am I clear with all the concepts?